केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जलंधर विच उद्योगपतियों नाल गलबात कीती है। यूपी बिहार से चरणजीत सिंह चन्नी दे दित्ते बयान से उन्हां दा कहना है कि पंजाब दे लोग ही इसका जवाब देंगे। आप वालों खालिस्तान दे दित्ते बयान से उन्हां दा कहना है कि इसकी गहराई नाल जांच होनी चाहिए है। जिन्होंने 111 दिन राज किया, उन 111 दिनों में भी अपने ही परिवार के खजाने भरने का काम किया। चुनाव आते समय अपनी कोई उपलब्धियां नहीं थी और बेतुकी बयानबाजी करना आम आदत सी बन गई है। प्रियंका गांधी जी को पंजाब की बहू बता देना, ना जाने कहां कहां के कनेक्शन बता देना। बात यह है, इन लोगों ने वायदे किए थे पंजाब को नशा मुक्त करने के, क्या कर पाए? वायदे किए थे पंजाब के किसानों के कर्जे माफ़ करने के, क्या कांग्रेस कर पाई? वायदा किया था हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का, फॉर्म भी भरवाया था, क्या भरवा पाए? चुनाव की बेला पर मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को जो सुरक्षा नहीं दे पाए, वो पंजाब के लोगों को क्या सुरक्षित रखेंगे? सर, सेकंड सवाल ये कि कुमार विश्वास ने बोला है कि दूसरी बात ये खड़ी होती है कि पंजाब को नशा मुक्त करने की बात अरविंद केजरीवाल जी भी करते हैं, लेकिन दिल्ली के हर स्कूल को जाने वाली सड़क पर ठेका खोलने का काम करते हैं। और पंजाब को नशा मुक्त क्या भगवंत मान जी के माध्यम से करवाएंगे? रोल मॉडल भगवंत मान जी के रूप में देखते हैं क्या नशा मुक्त करने का? जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों से पंजाबी को गायब कर दिया, पंजाबी अगर दूसरी लैंग्वेज थी तो उसके बजाय उर्दू को महत्व दे दिया, तो केजरीवाल जी को जवाब देना हो। केजरीवाल जी ने कहा कि रिजर्वेशन जिसको एक बार मिल गया दोबारा ना मिले, क्रीमी लेयर को हटा दिया जाए, क्या केजरीवाल जी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की ओबीसी की रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते? मेरा सीधा सवाल है। पंजाबी की 3000 टीचर रखने की बात दिल्ली में कही थी, जो 850 थी उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। दिल्ली की सरकार में एक भी पंजाबी नहीं, एक भी महिला नहीं। आखिरकार ये कैसी केजरीवाल जी की सरकार है? जो आतंकवादियों के घरों में जाकर, उनके समर्थकों के घरों में जाकर सोते हैं, रात बिताते हैं, प्लान बनाते हैं, वो पंजाब को आतंकवाद से मुक्त जो करवाया गया था, क्या वापस उस दिशा में खालिस्तान समर्थकों की ओर ले जाने का काम करेंगे? क्या केजरीवाल जी के ऊपर एक आरोप लगा और किसी और ने नहीं, उनके अपने ही जिन्होंने आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर ने ये आरोप लगाया है, और ये गंभीर आरोप हैं। अगर खालिस्तान का जो सपना केजरीवाल जी के मन में है तो इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। क्या वो खालिस्तान बनाकर उसके प्रधानमंत्री बनना चाहते, क्या इसको स्पष्ट करना चाहिए? पंजाब सूबे में नशे को बढ़ावा देने का क्या वो काम करेंगे? और जो रिजर्वेशन का मैंने सवाल उठाया कि केजरीवाल जी ने सभा में कहा कि रिजर्वेशन समाप्त करेंगे, तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग पूछता है कि क्या उसकी रिजर्वेशन केजरीवाल जी समाप्त करना चाहते हैं? मेन सर, चरणजीत सिंह चन्नी का जो बयान आया था उसको लेकर पंजाब में कैसे प्रतिक्रिया होनी चाहिए? जे भाई ये पंजाब के लोग इस पर प्रतिक्रिया करेंगे ही। आप वोट देखेंगे तो कहेंगे चन्नी जी हर बार जिम्मेदारी से भागते थे, ट्रांसफर का मुद्दा आया तो टॉस पर ट्रांसफर को, आप सब जानते हैं जी, टॉस पर जो ट्रांसफर करवाता हो, निर्णय लेने में जो सक्षम ना हो, पंजाब के खजाने भरने की बजाय भतीजे के खजाने भरने का काम किया हो, जो जिम्मेदारी लेने से दूर भाग जाए, तो मैं तो पंजाबी च कहांगा चन्नी कट गया कन्नी। थैंक यू सर। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के बिना पंजाब की कोई सरकार नहीं बन सकती। भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी, और मोदी जी ने जो पंजाब को हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देने का प्रयास किया,
कांग्रेस ने तो उसको भी रुकवाने का काम किया है। हम आएंगे, हम वापस पंजाब को बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। 43,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पंजाब में जल्द लागू होंगे। और पिछले कुछ वर्षों में देखिए, 2014 से लेकर 2021 तक नेशनल हाईवे पंजाब में 3 गुना से ज़्यादा हुए। आप जितनी भी केंद्र की परियोजनाओं को देखेंगे, पंजाब के लिए दिल खोलकर मोदी जी ने दिया है। और मोदी जी ने तो कहा है, हंसदा पंजाब, नचदा पंजाब, खिलता पंजाब, ये मोदी जी के सपनों का पंजाब है। और जो व्यक्ति पंजाब के लोगों के खिलाई गई रोटी को नहीं भूलता है, पंजाब के लिए करतारपुर कॉरिडोर को खोलता है, यही नहीं, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव हो, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का हो और 350वां गुरु गोविंद सिंह जी का हो, वो मनाने का काम भी किया है। यही नहीं, 84 के दंगों की जो न्याय दिलाने का काम SIT का गठन करके मोदी जी की सरकार ने किया है, और ब्लैक लिस्ट को हटाने का काम भी ये मोदी जी की ही सरकार ने किया है। किंग मेकर की भूमिका हो गई या किंग बन, ये तो पंजाब की जनता तय करेगी। जब पंजाब की जनता केजरीवाल जी का असली चेहरा दिल्ली से जान चुकी है कि बात कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और पंजाब की कांग्रेस की सरकार को भी देख चुकी है, ना वो किसानों के कर्जे माफ़ कर पाए, ना वो किसानों के लिए कुछ और कर पाए, यहाँ की व्यापार को भी बंद करवाने का काम किया, इनको तो कहा था सस्ती बिजली देंगे, बिजली के दाम भी बढ़ाने का काम किया है, और अपने खजाने रेत माफिया और बाकी माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया के माध्यम से भरने का काम किया। आल है, चूरी बंद दिती है, गर्म गर्म रोटी ते दाल ले ही बंते नूं दुपहरे घर भेज देवी। ते बेबे मेरी रोटी आ पई है मंजे ते। ठीक है तंतु। हाँ रब सदा सलामत रखे बादल नूं, सस्ता आटा ते दाल दवा के सानू गरीबां नूं 2 जून दी रोटी पक्की कर दिती। आटा दाल स्कीम नाल असी भुखे नहीं सोए कदे। ऐतकी वोट बादल नूं ही पौनी है, गलती ना करी इस बार। वोट पानी उन्हां नूं जिहड़े समझण साडे दर्दां नूं।